कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर POK यानी पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है और उसने चीन को वह हिस्सा दिया है जो उसका कभी था ही नहीं। उन्होंने कहा कि POK पर सरकार के रुख को लेकर उनका कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद सरकार ने मुद्दे को डील किया है वो संविधान के अनुरूप नहीं है। शशि ने गुरुवार को ऑल ओवर इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा इंडिया इन क्राइसिस विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं से देश की छवि वैश्विक स्तर पर खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि जब मैं विदेश जाता हूं तो वहां लोग पूछते हैं कि भारत में गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसके कारण निवेशक देश में निवेश करने से कतरा रहे हैं। बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा किए गए हवाई हमलों में सवाल उठाते हुए शशि थरूर ने कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों द्वारा बताया गया है कि कोई आतंकवादी हवाई हमले से नहीं मारा गया। उन्होंने कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों से बालाकोट हमले की तस्वीरें प्रकाशित कर यह सबूत दिया गया है। बालाकोट हवाई हमले में कोई अलगाववादी नहीं मारा गया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों ने देखा है कि सबूत तो उनके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। अगर सरकार कहती है कि बहुत प्रभावी हमला था तो कई आतंकवादी मारे गए तो उसकी तरफ से भी कुछ सबूत दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। अब देखने वाली बात यह है कि इसको लेकर सामने मोदी सरकार क्या करती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें SPN9 News पर। हर्ष की रिपोर्ट।